के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू फिश के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आज का स्टॉक हमारा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टॉक है दोस्तों, क्यों तो इसके अंदर जो फिशेस है अब तक की हमारे पास से पहले बहुत कम आती थी, लॉकडाउन के टाइम में मिलती नहीं थी, आज वो फिशेस आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले ये हमारे पास दोस्तों गोल्डन गोरामी है, एकदम ऑरेंज कलर में, गोल्डन कलर में, बहुत ही प्यारे प्यारे, एकदम खूबसूरत है। तो दोस्तों ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे गोरामी फिशेस का काफ़ी अच्छा स्टॉक अवेलेबल है। नेक्स्ट फिश देखेंगे इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हम रेड कैप फिशेस, दोस्तों ये है रेड कैप फिशेस, बहुत ही प्यारी है और एक्टिव फिशेस है। और रेड कैप का दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे सॉटेल ऑरेंज कलर में, बहुत ही एक्टिव और प्यारे फिशेस है दोस्तों। यहाँ पे हम हमारे पास में सॉटेल फिशेस दोस्तों, मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, गप्पी की जगह आप इसको रख सकते हैं, गप्पी जैसा ये भी बेबीज अच्छे काफ़ी है तो अच्छे देती है दोस्तों। और रेट भी दोस्तों गप्पी से आसपास में लगभग होता है 20 से 50 रुपीज़ के आसपास में। हम देखेंगे पर्ल गोरामी दोस्तों, ये जो फिश है बहुत ही कम आती है और अच्छी आती है, अच्छी है दोस्तों, ये जैसा स्ट्रॉबेरी जैसा लुक होता है दोस्तों, ये है पर्ल गोरामी फिशेस। चलिए दोस्तों, यह है बिग साइज के एंजल फिशेस और ब्लैक, जो इसके अंदर ब्लैक और व्हाइट लाइनिंग बहुत ही अच्छी लगती है एंजल फिशेस में, और साइज भी अच्छी काफी बड़ा है दोस्तों। दोस्तों एसके गोल्ड शुभांगी किंग जैसा इसको बड़े काफी कलर एक्टिव होता है और गोल्ड के साथ में बढ़िया ये गोल्ड जैसा लुक, गोल्ड की वेराइटी सी होती है, गोल्ड के साथ में भी हम इसको रख सकते हैं दोस्तों। 50 से 100 रुपीज तक इसके भी प्राइस है। रोजी बार दोस्तों, इस बार की जो फिशेस है रोजी बार फिशेस काफ़ी बड़ी साइज़ है और प्राइस के बारे में दोस्तों आप सभी को बताया 30 से 50 तक के इसके रेट। ब्लैक मोर बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, सभी को पता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें 9 मछलियाँ रखनी होती है जिसके अंदर 8 गोल्डन और 1 ब्लैक, तो ये यहाँ पे हम ब्लैक के साथ, ब्लैक के लिए हमें तो इसको यूज़ कर सकते। तो दोस्तों बढ़िया एकदम काफ़ी फिशेस अच्छी है और 20 से 40 रुपीस तक की ये फिश बहुत अच्छी प्यारी फिशेस है। एक फिशेस दोस्तों यहाँ पे जैसा देख सकते हैं टाइगर बार फिशेस, काफ़ी ग्रुप में हम रखेंगे इसको तो अच्छी फिशेस है दोस्तों। 20 से 50 तक की ये भी प्राइस बहुत ही रिजनेबल और एक्टिव फिशेस रहती है। मैं जा रहा हूँ इम्पोर्टेड फिशेस के बारे में, तो दोस्तों ये है हमारे पास में गप्पी फिशेस, बहुत ही अच्छी कलरफुल गप्पी फिशेस है दोस्तों। अगर आप गप्पी के शौकीन हैं, स्मॉल टैंक है, तो आप ये गप्पी फिशेस बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों। ये गप्पी फिशेस बहुत ही अच्छी फिशेस है, वाओ बढ़िया दोस्तों। गप्पी फिश का ये कलरफुल बहुत अच्छा खूबसूरत, सही में ये जो माल है हमारा दोस्तों बहुत ही अच्छा आया है। गप्पी फिश आप इसको भी स्मॉल साइज के टैंक में रख सकते हैं। फिश सकर कैट दोस्तों, सकर कैट हमारे टैंक अगर गंदे होते हैं, बार बार एलगी आती है, तो सकर कैट हम बिल्कुल फिश रख सकते हैं। देखेंगे दोस्तों एनएसटी जैसा कि सॉटेल ही होती है दोस्तों, सॉटेल में कलर काफ़ी अच्छे होते हैं, इसके अंदर बहुत ही रेनबो जैसा कलर होता है, वाइट और ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर काफ़ी लाइनिंग में, ये भी हमें अच्छी लगती है। फिश हम देखेंगे यहाँ पे गोल्डन, ये गोरामी है और एंजल है। तो यहाँ पे कौन सी फिशेस है हमारे पास जैसा कि हम देख सकते हैं, वाह दोस्तों गप्पी फिश का काफ़ी स्टॉक अच्छा है, काफ़ी स्टॉक भी हमारे पास में ज़्यादा आया है गप्पी फिशेस के अंदर दोस्तों। अभी आपने पहले भी देखा दोस्तों, काफ़ी प्यारे प्यारे फिशेस गप्पी फिशेस थे, ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, डबल हमारे पास स्टोर में भी गप्पी फिश का स्टॉक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। और स्टॉक देखा अभी तो यहाँ पे हमें कैरी बैग में ठीक फिश है तो नज़र ठीक से नहीं आने के कारण दोस्तों हमें तो और भी हमारा जो दूसरा वाला चैनल है न्यू मिलन एक्वेरियम डेकोरेशन, उस चैनल के ऊपर दोस्तों आज के फिश के स्टॉक का पूरा टोटली हम एक्वेरियम में फिश डालने के बाद में दोस्तों ये वीडियो बताएंगे, वीडियो डालेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वो वाला जो हमारा चैनल है उसको भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, न्यू मिलन एक्वेरियम डेकोरेशन, और उसको भी लाइक कीजिए दोस्तों। तो उसके ऊपर भी अपने फिश के इन्फॉर्मेशन, फिश क्यों मरती है, कैसे रहती है, कौन सी फिश के क्या प्राइस है, पूरी मैं इसकी फिश के डेकोरेशन के बारे में बार बार उसके ऊपर भी अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ उस वीडियो को, ये जो हमारा फिश का आज का स्टॉक हमें एक्वेरियम में डालने के बाद कैसा लगेगा तो उस वीडियो को भी देखिए। तो प्लीज़ अगले वीडियो में और मिलते हैं, इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया दोस्तों थैंक्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अगली वीडियो में और मिलते हैं दोस्तों थैंक्स।